12 सेंटीमीटर ऑफ अ गिवन शेप ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स ए बी बी सी एंड सी ए द रेस्पेक्टिवली द साइड मेजर्ड 1/1 अबव मल्टीमीटर द रेजिस्टेंस विल बी इन द रेशियो। ठीक है भैया, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा करने के लिए, इसको रहने दीजिए, क्या तो मैं अलग साइड पे बता, ये कह रहा है क्या अपना, यहाँ से ध्यान से समझिए, यहाँ पे इस तरीके से ये ट्रेंगल है, ठीक है जी, इसको बोल रहा है कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, इसका नाम दिया है ए बी, मेरी बात से सहमत हो, तो इसमें अगर आप इसके रेजिस्टेंस को आर वन मानते हो, इसको आर टू मानते हो, इसको आर थ्री मानते हो, तो R की वैल्यू आप नॉर्मली कैसे निकालते हो जी, रो L, R की वैल्यू निकालते हो रो L डिवाइडेड बाई A, तो L और A तो सेम है, तो सिर्फ ये L, रो और A सेम है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, R1 की वैल्यू निकालोगे, L इसका 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3L डिवाइडेड बाई A, इसकी वैल्यू निकालोगे तो 5L डिवाइड L लिख रहा हूं, देख रहे हो, ठीक है, इसकी वैल्यू 3 रो कितना आएगा जी, 3 रो डिवाइडेड बाई ए, और ये आएगा 4 रो डिवाइडेड बाई ए, ये आएगा 5 रो डिवाइडेड बाई ए, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, और ये वैल्यू है, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3, सिंपल, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करने के लिए बताएंगे, वैसे तो बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन मेरा बेसिक तरीका सीखिएगा, बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अभी उतना लेंदी नहीं आने चाहिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, कि यहां पर ऐसे मैं रेजिस्टेंस बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे भी बना लेते हैं, हो सकता है आप डायरेक्ट समझ जाओ, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, कट जाएगा मेरे हिसाब से, बस करिएगा, वैल्यू अभी स्टार्टिंग में नहीं रखना है फिलहाल, मैं इसको मान ले रहा हूँ R1, इसको R2, इसको R3, इसको मैं क्या मान ले, R1, R2 और इसको R3, इसको मैं R1, R2 और R3, आप सोच रहे होंगे तीन फिगर सिर्फ इसलिए बता रहे हैं आपको समझाने के लिए, ताकि इजीली समझ में आ जाए, ठीक है, एक बार ए बी, ये ए है, बी है, सी है, ये ए है, बी है, सी है, ए बी सी, एक बार ए बी के एक क्रॉस लिखा है, ए बी देख लो यहाँ पर क्वेश्चन में, ए बी बी सी और सी ए, ठीक है भैया, इसके एक क्रॉस अगर आप निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो कितना आएगा जी, एक बार इसके एक क्रॉस निकालना है, ठीक है, तो अगर आर ए बी निकालना हो डायरेक्ट, ठीक है, तो भी मैं बता दूंगा, उसके बाद फिलहाल मैं डायरेक्ट करने वाला, मुझे रेशियो निकालना है, ये दोनों कैसा होगा जी, सीरीज में होगा, फिर इसके पैरेलल में होगा, ए बी बी सी के क्रॉस, अगर इसके क्रॉस अगर आपको निकालना होगा तो ये दोनों सीरीज में होगा, फिर इसके पैरेलल में होगा, अगर ए सी के क्रॉस निकालना होगा आपको तो ये दोनों सीरीज में होगा, फिर इसके पैरेलल में होगा, फिलहाल इसमें जो निकाल रहा उसका नाम आर ए बी लिख रहा है, इसका आर बी सी लिख रहा है, और इसका आर सी ए लिख रहा है, ठीक है, इसका जो पूछा है ना रेशियो, तो मैं रेशियो यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ, डायरेक्ट अगर मैंने लिखूंगा आर ए बी रिस टू आर बी सी रिस टू आर सी ए, और डायरेक्ट मैं कैसे बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने आपको एक तरीका बताया हूँ, अच्छा सोचो अगर ये सीरीज में है तो डायरेक्ट जोड़ते हैं, अगर ये फिर पैरेलल में हो जाएगा तो ऊपर प्रोडक्ट नीचे एड, तो करो जरा, ये सीरीज में है तो दोनों को मैंने जोड़ा तो आर टू प्लस आर थ्री हो गया, फिर इसके साथ करना है तो ऊपर प्रोडक्ट करना है, ऊपर आर वन इंटू आर टू प्लस आर थ्री करना है भैया, और नीचे सम करना है इसका और इसका सम, तो ये आर वन को आर टू प्लस आर थ्री में ऐड करना, तो यही तो आएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, अच्छा मैं ऐसे क्यों सिखा रहा हूँ इस तरीके की टेक्निक, आपको पता है कि ये तुरंत हट जाएगा, ज्यादा एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा, कैसे देखने में बहुत बड़ा लगता है, रिस्टू करिए, यहाँ पर आओ, ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, आर वन प्लस आर थ्री हो जाएगा, फिर इसके पैरेलल में है, पैरेलल में मैंने क्या बताया था कि आर टू इंटू ब्रैकेट में क्या करना है जी, आर वन प्लस आर थ्री करना है, और नीचे क्या करना, ऐड करना, तो R2 प्लस R1 प्लस R3, तो ये ऐसे लिखिए ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 करिए, फिर रेशियो, ये R1 और R2 कैसा होगा, सीरीज में होगा, फिर इसके पैरेलल में होगा, सीरीज में R1 प्लस R2 होता, तो इसको लिखोगे R3 इनटू, क्या लिखोगे, R1 प्लस R2 लिखोगे, नीचे कितना लिखने वाले हो, R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको ऐड ही तो करोगे, R3 को R1 प्लस R2 में ऐड करोगे तो ही आएगा, अब रेशियो निकालना है, नीचे का सब सेम गायब हो गया, सब खत्म, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ये सब गायब हो गया, यहाँ से ये गायब हो गया, यहाँ से ये गायब हो गया, कट गया, यहाँ से ये गायब, रेशियो बताना है ना, बहुत बेसिक तरीके से करना है,
अब आर वन की वैल्यू यहाँ कितना रखना है जी, 3 rho/A, इसमें कितना रखना है 2 वाला है, 4 rho/A प्लस 5 rho/A रिस 2। आर टू को क्या रखना है जी, 4 rho/A, और इसमें आर वन कितना रखना है 3 rho/A, और आर थ्री रखना है 5 rho/A। फिर रिस 2 करना है, आर थ्री कितना रखना है जी, आर थ्री रखना है 5 rho/A और 3 rho/A प्लस 4 rho/A। अच्छा यहाँ पर रो एल डिवाइडेड बाई ए से इसीलिए मैंने समझ लिया, इसको कैलकुलेट नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन जो है ना नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ के आइएगा, इसीलिए करे जो बिल्कुल इजी इजी वाले पहले कर लो, जो भी आपको लेंदी लगे हो लास्ट में जरूर अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि ये कठिन नहीं होते, ये बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अब बताओ इसमें से रो बाई ए और रो बाई ए यहां से भी कॉमन हो जाएगा, सब जगह से कॉमन होकर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा कितना 3, यहाँ बचेगा 4 + 5, और यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 3 + 5, यहाँ क्या बचेगा जी 5 3 + 4, सिंपल है ना। अब ये कितना हो गया 4 + 5 9 हो जाएगा, 9 × 3 = 27 रेस 2, ये कितना हो जाएगा 5 3 8, और 8 × 4 कितना हो गया 32, ये हो गया 7 × 5 कितना हो जाएगा 35, ये रेशियो सॉल्व हो गया। अच्छा देखने से लग रहा होगा बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करते हो तो हर क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा, जो लेंदी है उसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, कठिन तो फिलहाल नहीं है ना। अगर मैं इसका आंसर टिक करूंगा तो 27 32 35 आया है ना रेशियो में, यानी इसका